पौड़ी धुमाकोट बस हादसे के बाद प्रदेश भर के पुलिस यातायात एवं परिवहन विभाग सतर्क हो गए हैं। बागेश्वर जनपद में भी ARTO एवं पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान के तहत गरुड़ ब्लॉक में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बैजनाथ थाना अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में हुए बस हादसे से सतर्क होकर ओवरलोडिंग, नशेड़ी ड्राइवरों को एल्कोहल मीटर से चेक किया जा रहा है। साथ ही टैक्सी, प्राइवेट वाहनों के परमिट, बीमा आदि के चालान भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 गाड़ियों के चालान किए गए, 2 गाड़ियां सीज की गई, 2 ड्राइवरों का लाइसेंस निरस्त किया गया, साथ ही 8 गाड़ियों के कोर्ट चालान किए गए। सघन चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। यहाँ संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खास तौर से ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, टेम्पर राइडिंग की ज्यादा चेकिंग की जा रही है। तो अब तक करीबन 30 चालान हम कर चुके हैं, जिसमें 2 गाड़ियां सीज कर रही हैं। करीब 8 चालान हमारे कोर्ट की किए गए हैं, जिसमें किसी के पास परमिट नहीं है, किसी के पास RC बीमा नहीं है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।